अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन विद द न्यू वीडियो ऑफ GTA 5। तो यार जैसा कि तुम लोगों को पता ही होगा कि भाई आज संडे और आज माइकल का बर्थडे है, तो उसके लिए भाई हम अपनी तैयारियों के लिए निकला हुआ है फ्रैंकलिन अभी। और देख रहे हो तुम लोग अभी 12 बज रहे हैं, तो यार फ्रैंकलिन की दाढ़ी वगैरह थोड़ी बढ़ गई है। अभी मैं नाई के पास आया था, तो चल के यार शेव करवाते हैं। उसके बाद जो है ना यार अपने लिए एक सूट भी परचेज़ करना हमने रात की नाइट पार्टी के लिए, बर्थडे पार्टी के लिए माइकल की। तो सबसे पहले यार ज़रा शेव करवा लें हम यहाँ से। तो क्लीन शेव करवानी है भाई, ये दाढ़ी देख लो कितनी बढ़ गई है। डन है बॉस। ओके तो गाइज फ्रैंकलिन रेडी हो चुका है, शेव हमने करवा ली है। तो अभी चलते हैं यार। अभी जो है ना फ्रैंकलिन ने जो माइकल के लिए टोयोटा करोला 2018 का मॉडल परचेज करा था, वो हमने जो है ना अभी यार गिफ्ट वाले को दी हुई है, क्योंकि भाई उस पर जो है ना अभी फूल वूल कर लगवाने हैं। तो क्योंकि यार एक सरप्राइज़ है ना, एक सरप्राइज़ गिफ्ट है, एक सरप्राइज़ प्रेजेंट करना माइकल को, तो इसलिए। तो चलते हैं अभी जल्दी से। सबसे पहले तो यार उसी हम लोग ये जो अपनी लेक्सस है ना इसको घर पे पार्क करेंगे, फिर हम टोयोटा करोला पिक करने चलेंगे। और उसी वक्त जो है ना हम लोग अपना एक सूट भी परचेज करेगा फ्रैंकलिन। एंड तो मेक श्योर गाइस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आज की वीडियो कैसी लगी। और गाइज ये भी बताना कि देखो आज ग्राफिक्स कैसे हैं, क्योंकि मैंने जो है ना ग्राफिक मोड इंस्टॉल किया रिडक्स 1.8। तो उम्मीद है यार तुम लोगों को आज की ग्राफिक्स और वीडियो पसंद आई। चल भाई क्या कर रहा है यार, यार मैं रॉन्ग वे आ गया देखो बातों बातों में। यहाँ से भी मैं वापसी मोड़ता हूँ। ओके तो मूव ऑन करते हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। माइकल भी यार आज अभी थोड़ा, क्योंकि दोपहर का टाइम है ना, बिजी होगा अपनी अरेंजमेंट वगैरह में। तो हम लोग भी अभी तो अभी फ्रैंकलिन भी अभी बिजी है, क्योंकि अभी गाड़ी भी पिक करनी है। पता नहीं अभी उसने गाड़ी पूरी कंप्लीट कर भी दी है कि नहीं, उसके फ्लावर्स वगैरह लगवाए उसके बोनट और बोनट पे, क्योंकि भाई एक अच्छा तक गिफ्ट प्रेजेंट करना है माइकल को। उम्मीद है यार माइकल को पसंद आएगी वो गाड़ी। तो अभी हम चलते हैं जल्दी से यार फ्रैंकलिन के घर की तरफ, ये ज़रा लेक्सस हम घर में पार्क कर दें। उसके बाद जो है ना टैक्सी करनी पड़ेगी हमें यहाँ आने के लिए, तो टैक्सी में आएंगे। और मौसम तो तुम लोग देख ही रहे हो, मौसम जो इतना अच्छा है वो ग्राफिक्स की वजह से। तो ये कमेंट में ज़रूर बता देना कि ग्राफिक्स आज के कैसे हैं। और गाइस तुम लोगों को कल की वीडियो का पता ही होगा कि भाई जिमी की गाड़ी जो है वो बाइकर गैंग वालों ने स्टोल कर ली है, चुरा ली है। तो माइकल ने जो है ना यार आज मेरे ख्याल से हो सकता है पार्टी, बर्थडे पार्टी में माइकल ट्रेवर से बात करेगी, क्योंकि ट्रेवर भी आएगा, बहुत से लोग आएंगे बर्थडे पार्टी में उसकी। तो हो सकता है माइकल उसको आज बताए, फिर देखो नेक्स्ट वीडियो में भाई क्या सीन होता है, ट्रेवर कैसे रिकवर करता है गाड़ी, तो कुछ पता। अब भाई क्या कर रहा है, तुझे अभी बताता हूँ मैं, सब्र कर, इधर आ बाहर निकल गए। स्पोर्ट गाड़ी लेके घूम रहा है तो शश के मारेगा। अबे फ्रैंकलिन ये नहीं है अपनी गाड़ी, अबे मार तेरी, इधर आ, ये ले ये ले, साले 32 ही तोड़ दी तेरी, ये कैसे गिर रहा है, अजीब जाहिल है। देख रहा जा रहा हूँ फिर भी गाड़ी ऐसे मोड़ रहा, इंडिकेटर तो दे कम से कम। खैर हम अपनी स्टोरी की तरफ आते हैं। तो मैं कह रहा था कि भाई अभी देखो क्या सीन होता है, ट्रेवर कैसे जिमी की गाड़ी को रिकवर करता है, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है नेक्स्ट वीडियो में। तो यार नेक्स्ट वीडियो को देखना नहीं भूलना। और जो है फ्रैंकलिन का घर आ ही चुका है तकरीबन, और ये आ गया फ्रैंकलिन का घर 7709। चल के अपने लेक्सस को जो है ना अंदर पार्क कर देते हैं हम लोग, पेट्रोल भी नहीं है लेक्सस में। मैप के ऊपर देख रहे हो तुम लोग फ्यूल बार है वाइट कलर का, तो कम है यार बहुत। खैर वैसे भी अभी कहीं जाना नहीं है हमने, अभी टैक्सी बुक करनी है। और ये बराबर में फ्रैंकलिन की दो गाड़ियां खड़ी हुई हैं, होंडा सिविक टाइप आर और कैमरी। चलो भाई चलते हैं, टैक्सी बुक कर लेते हैं ज़रा।
got any cabs available? Of course. Driver should be with you soon. I'll be here. ओके तो टैक्सी आ रही है, वेट करना पड़ेगा थोड़ा हमेशा की तरह। तो गाइस अगर तुम लोग चाहो तो यार मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। तो इंस्टाग्राम हैंडल जो है तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ जाके तुम मुझे फॉलो कर सकते हो। ये बताओ सर कैसे ठोकता ठाकता आ रहा है यार। ये टैक्सी वालों की गलती होती है, हर बार यही ठोकते हैं। जब कैब बुक करो इनकी, इनका कुछ ना कुछ सीन होता है। तो चलते हैं यार अपने डेस्टिनेशन की तरफ, जहाँ हमनी करोला दी हुई है रेडी होने के लिए। ओके तो फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन में आ चुके हैं और वो खड़ी हुई अपनी करोला। तो पता नहीं अभी रेडी हुई है कि नहीं। बोनट पे तो यार इसका एक फ्लोर लगा हुआ है। तो ये देखो भाई यार, इसने एक ही लगाया। मैंने इसको कहा था कि कम से कम जो है ना 2-3 लगाना, क्योंकि एक में ना यार मुझे इतना पसंद नहीं आ रहा। अब मैं इसको जाके बोलूँगा कि भाई एक रूफ़ पे लगा दो या तो डिक्की पे, क्योंकि एक जो है ना खाली मज़ा नहीं दे रहा। खैर अभी मैं ज़रा चलता हूँ, उसको पैसे वैसे भी देने ना यार फ्लावर वाले को। तो लेकिन उससे मैं एक और लगवाता हूँ अभी। ओके गाइस तो यार मैंने उसको पेमेंट भी कर दिया फ्लावर वाले को। उसने जो एक और जो है ना लगा दिया बुके, वो जो है ना इसने रूफ़ पे लगाया, क्योंकि डिक्की जो है डिक्की पे पूरा नहीं आ रहा था, क्योंकि फ्लावर बुके बड़ा है। खैर अभी हम अपनी गाड़ी लेके चलते हैं। अभी हमने सूट परचेज करना है, शॉप जो है ना यार पीछे ही है, पीछे वाले रोड की तरफ, दूर नहीं करीब ही है। ओके तो यहाँ पर एक शॉप ज़्यादा दूर नहीं है, सामने ही है। ग्राफिक जो है ना यार तुम लोग आज देख ही रहे हो कैसे ख़तरनाक आ रहे हैं। तो अभी मैं यार तुम लोगों को अपने पीसी स्पेक्स भी बताता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग मुझे कमेंट में पूछते हैं। तो मैं ज़रा पहले कपड़े बाय कर लूँ, उसके बाद मैं तुम लोगों को बताता हूँ डिटेल में। ओके तो ये कोट पैंट है, पूरा सूट है, 3-piece सूट है। लेकिन अभी इसमें से हम ढूंढते हैं कौन सा अच्छा लग रहा है। ये वाला तो नहीं यार, बहुत ही मतलब कि ओवर हो रहा है। तो पार्टी सूट लेकिन नहीं, ब्लैक कलर का कोई था यहाँ पे, अभी ब्लैक ज़्यादा सही लगेगा। ये सेट है, डन हो गया। शूज़ नहीं, नहीं शूज़ तो सही है ना, अपने पास शूज़ तो हैं, बहुत सारे न्यू शूज़ हैं जो कि फ्रैंकलिन ने अभी तक तो पहने नहीं है। चलो भाई अब चलते हैं। गाड़ी जो है ना यार इस तरह प्रेजेंट होगी ना, तो मुझे तो अभी वैसे ही बहुत ज़बरदस्त लग रही है, क्योंकि इस पर इस तरह फ्लावर्स वगैरह लगे हुए हैं ना। तो तुम लोग कमेंट में बता देना यार कि मैंने ये सही करवाया ना, अच्छी लग रही है ना मतलब ऐसे गाड़ी। तो माइकल को मैसेज प्रेजेंट करेंगे ना, तो एक ज़बरदस्त VIP सब प्रेजेंट हो जाएगा। और गाइस मैं तुम लोगों को कह रहा था कि PC स्पेक्स का, तो यार PC स्पेक्स है मेरे कोर i5 थर्ड जनरेशन, और 500 GB मेरी हार्ड ड्राइव है, और GTX 750 Ti लगा हुआ है जो कि 2 GB का है, और लेकिन ओवरक्लॉक है, तो इसलिए गेम मेरा इतना ज़बरदस्त चलता है। बहुत से लोग हैं जो मानते नहीं है कि यार 750 Ti है। यार आप अपने ग्राफिक कार्ड को जो है ना मेंटेन रखो, उसके ड्राइवर्स अप टू डेट रखो, PC में कोई फजूल चीज़ें नहीं रखो, वायरस नहीं हो देखो PC में, तो आपका गेम भी यार अच्छा रिस्पॉन्स करेगा। बाकी जो है ना यार कंप्यूटर में से जो है ना PC में से गेम्स की भी कुछ सेटिंग होती है उनको फ्री चलाने के लिए। लेकिन मैं जो है ना अभी, आप यकीन करो, मैं अभी अपने ग्राफिक कार्ड की मेरी मेमोरी जो है वो 2 GB की, लेकिन मैंने इसको 2 GB से भी अबव इसकी सेटिंग की हुई है। तकरीबन कोई 2.7 GB की इसकी अभी ग्राफिक सेटिंग हुई है गेम में, लेकिन आप देख रहे हो कितना फ्री चल रहा। तो यार बस यही कहानी है, आप अपने PC को मेंटेन रखो, इसके ग्राफिक्स के ड्राइवर अप टू डेट रखो। चलो भाई अब रात का सीन देखते हैं। भाई रात में चलना है माइकल की बर्थडे पार्टी में, तो रात में मिलते हैं तुम लोगों से। ओके गाइस तो कपड़े जो है ना यार ये देखो, अभी मैंने वार्डरोब से चेंज करे और टाइम क्या हो गया, टाइम देखो 1:20 हो रहा है, मतलब कि ना एक तो नहीं बजा, खैर 12:20 हो रहे हैं। तो अभी चलते हैं यार जल्दी से, सारे मेहमान वहाँ पे आ चुके होंगे, और मुझे तो लग रहा है सिर्फ फ्रैंकलिन ही लेट हो गया। खैर अभी चल के देखते हैं। और तुम लोग कमेंट में यार ये ज़रूर बता देना कि ये फ्रैंकलिन कैसा लग रहा था, ज़बरदस्त लग रहा है वैसे कोट पैंट में, 3-piece सूट में। ओके तो अपनी टोयोटा करोला अभी अपनी है, लेकिन कुछ टाइम बाद माइकल की हो जाएगी, तो इसे बाहर निकालते हैं हम।
ओए होए, अरे बेहतरीन। हेडलाइट्स देख रहे हो, अलग ही शिशके हैं भाई टोयोटा के भी। पार्किंग लाइट्स ऑन कर लेता हूँ यार। ये देखो गाइस, टेल लाइट्स के ऊपर पार्किंग लाइट तुम लोग देख रहे हो, कैसी ज़बरदस्त लग रही है अभी रात के टाइम पे। और फ्रंट पे भी तो अलग ही सीन आ रहा है गाड़ी का कुछ। अभी चलते हैं जल्दी से माइकल के घर की तरफ। मुझे तो यार ऐसा लग रहा, तुम लोग देखो, तुम लोगों को भी ऐसी फील आ रही होगी कि ऐसा लग रहा है कि भाई फ्रैंकलिन की जो है ना बारात जा रही है, क्योंकि देखो पार्किंग लाइट्स भी ऑन है और गाड़ी भी फुल सजी हुई है। फ्रैंकलिन जो है 3-पीस सूट में, वो भी ब्लैक कलर के, तो बारात तो नहीं खैर हम वलीमा ज़रूर कह सकते हैं तो। लेकिन जो बात अच्छी लग रही है गाड़ी, तो तुम लोग कमेंट में बता देना यार, बेस्ट हो गया ना ये। दोनों ही तैयार हैं और गाड़ी भी हमने अच्छी खासी रेडी करवाई है, बस पीछे ना 2-3 ग्रैंडियो की और कमी है, वरना तो पूरा सीन ऐसा ही है कि भाई फ्रैंकलिन की शादी हो रही है और फ्रैंकलिन बारात लेके वापसी आ रहा है, या तो बारात लेके जा रहा है। लॉस सैंटोस में यार खड्डे बहुत बढ़ गए, वैसे पता नहीं कैसा प्राइम मिनिस्टर है भाई यहाँ का, कुछ ख्याल ही नहीं। कराची वाली हालत कर दी इसकी भी, हर जगह खड्डे खड्डे। ये देखो जगह जगह से ना, मतलब कि ना काफ़ी जगहों से रोड अलग बना हुआ है, जैसे कराची में बनता है ना। तो यार तुम लोग कमेंट में मुझे ये भी पूछते हो कि भाई आप कहाँ से हो, तो यार मैं जो है ना कराची सिटी से हूँ। और गाइस तुम लोग यार देखो, मैंने तुम लोगों को फिर कहा था कि नंबर प्लेट की रिक्वेस्ट है तुम लोग की, तो यार मुझे कंप्लीट प्रॉपर कमेंट किया करो कि यार कौन सी गाड़ी पे क्या नंबर प्लेट रिक्वेस्ट है तुम लोगों की, तो यार मुझे इजीली समझ आ जाएगा। अभी कल की वीडियो में यार बहुत से लोगों ने मतलब कि ना सही कमेंट करें, वो जो है ना मैंने नोट कर लिए, तो 1-2 दिन में जो है ना उनकी सेपरेट वीडियो आ जाएगी। तो इस वीडियो में जो भी यार नंबर प्लेट की रिक्वेस्ट करेगा कमेंट में, तो यार एक प्रॉपर कमेंट कर देना। पहले तो ये बता देना कि कौन सी गाड़ी और नंबर प्लेट पे लिखना क्या है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो यार हाफ हाफ लिख के निकल जाते हैं और मुझे समझ नहीं आता, तो यार मैं उनसे सॉरी माजरत, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता मैं कैसे आपकी रिक्वेस्ट पूरी करूँ। ओके, तो माइकल के घर हम लोग आ ही चुके हैं तकरीबन। ओ हो भाई ज़बरदस्त, चेक करो गाइस फुल भाई, मतलब कि पार्टी सीन देख रहे हो कैसे ज़बरदस्त, फुल अरेंजमेंट देख रहे हो बेहतरीन यार। अंदर चलते हैं, अंदर तो बहुत सारी गाड़ियाँ आई हुई हैं, लगता है भाई काफ़ी मेहमान आए। लेमो भी खड़ी हुई है भाई, लेमोजीन भी खड़ी हुई है। यहाँ पे अपनी टोयोटा पार्क करते हैं। ओए लाइट्स यार, ये जो रेड और ब्लू लाइट लगाई है ना, ये अलग ही लुक दे रही है पूरी पार्टी में। तो ये देख रहे हो तुम लोग भाई, सिक्योरिटी भी खड़ी हुई है, और ये किसी की देख रहे हो, तो मैं तुम लोग को पहले बाहर से पूरी चेक करवा देता हूँ। ये देखो यहाँ पे सिक्योरिटी भी खड़े हुए हैं, फुल सिक्योरिटी में भाई, कि कोई मसला ना हो जाए ना। और ये वैलेट भी खड़े हुए हैं, पार्किंग अटेंडेंस कर रहे हैं अपनी। और ये किसी की फुल मॉडिफाइड गाड़ी खड़ी हुई जो कि लॉस सैंटोस की स्पोर्ट कार है, और ये एक रेंज रोवर खड़ी हुई जो कि लॉस सैंटोस की है, एक बुगाटी खड़ी हुई है, और ये एक लिमो, और ये अपने माइकल दादा की लैंड क्रूज़र खड़ी हुई है। लैंड क्रूज़र के भाई अपनी मज़े, लेकिन फ्रैंकलिन को यार लेक्सस पसंद है, तो अलग अलग चॉइस होती है यार हर बंदे की। और यहाँ पे देखते हैं क्या सीन चल रहा है भाई, गाने बजाने चल रहे हैं यहाँ तो। ये यहाँ पे फूड कोर्ट भी रखा हुआ है, फुल मतलब कि ना ऑन सीन है खाने पीने का। ओहो यहाँ डांस भी चल रहा है, ये कौन, अरे भाई जिमी और ट्रेसी के सारे, मतलब कि ना जिमी ट्रेसी और इनके सारे दोस्त यार डांस वास कर रहे हैं। वो जिमी को देखो कैसे डांस कर, चलो भाई इन लोगों को डांस करने तो अच्छा है। और यहाँ पे भी एक गार्ड खड़ा हुआ है, ओहो बेहतरीन स्मोकर टेबल, खेलेंगे माइकल के साथ। अभी ज़रा ऊपर चल के देखते हैं, यहाँ पर भी ये गार्ड खड़ा हुआ है, मतलब सिक्योरिटी फुल टाइट है भाई माइकल के घर में, क्योंकि यार माइकल के जो है ना बहुत से गवर्नमेंट बंदे ऑफिसर दोस्त भी हैं, तो इसलिए हो सकता है सिक्योरिटी भाई फुल सख्त है। तो ये देखो गाइस यहाँ पे भी मतलब कि ना फूड कोर्ट, खाना पीना होने, चिल सीन है बिल्कुल पार्टी में। और ये रहा माइकल अपना, माइकल जो है ना यार अभी अपने दोस्तों से बात कर, लेस्टर भी आया हुआ है, तो पहले आगे चल के देख रहे थे माइकल दादा थोड़ी जगह दे दो।
जगह ही नहीं है यार माइकल दादा। ओए सॉरी माइकल भाई, चलो भाई आगे देखते हैं। ओके तो ये अमेंडा खड़ी हुई है यहाँ पे, और अरे ट्रेवर भी आया हुआ है। और ट्रेवर देखो हमेशा की तरह किसी लड़की पे लाइन मार रहा है, लेकिन इसको क्या पता भाई कि इससे कोई लड़की फटनी नहीं है। क्या है छोड़ो भाई, सही अपनी ज़िंदगी है, मस्त है। और इसकी टोयोटा प्रियस भी खड़ी हुई है बाहर। चलो भाई ज़रा माइकल दादा से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम माइकल दादा। वालेकुम सलाम फ्रैंकलिन, दो मिनट ज़रा इनसे बात कर लूँ। जी जी आप ज़रा बात कर लें, फिर मैं जब तक वेट कर लेता हूँ, मैं वेट कर लेता हूँ, आप बात कर। हाँ बोलो फ्रैंकलिन। अरे बस क्या बोलूँ मैं आपके लिए भाई, एक सरप्राइज लाया हूँ, आप चल के देखें मेरे साथ। अरे क्या ले आए? आए आए मैं आपको दिखाऊँ। अरे बताओ तो। अरे आप चले दो, मैं आपको दिखाता हूँ ना मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। आपकी बर्थडे और हम खाली हाथ तो नहीं आ सकते ना आज। फिर भी बताओ तो। नहीं नहीं भाई आप ज़्यादा महंगा गिफ्ट नहीं है, मतलब इतना आपको पता चल गया कि कोई गिफ्ट है। हाँ तो बर्थडे गिफ्ट ही होगा। हाँ ये बात भी है, चले लेकिन अब आए तो मैं आपको दिखाऊँ। चलो भाई, बाकी आज की पार्टी जो है ना बहुत ऑन रखी हुई है आपने। थैंक यू यार। अरे कहाँ लेके जा रहा है, कहाँ है गिफ्ट? मुझे लग रहा तुम कोई गाड़ी ला रहे हो। अरे आए तो भाई, मैं दिखा रहा हूँ ना यहाँ खड़ी हुई है वो चीज़। गाड़ी होगी कोई, मुझे डाउट है पूरा। हाँ ये देखें क्या है, ये देखें क्या, ये गाड़ी है। ये क्या है? गाड़ी। तो ये आपका ही है भाई, मैं आपके लिए टोयोटा कोरोला 2018 का मॉडल गिफ्ट में लाया हूँ। अरे क्या पागल हो गए हो क्या? अरे तुम पागल की क्या बात भाई, आप जैसा दोस्त कहाँ है यार मेरा। तो ये तो बहुत छोटा गिफ्ट है आपके लिए, मैं तो आपके लिए रेंज रोवर ला रहा था, लेकिन जो मेरे सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स हैं ना उनको पसंद नहीं आया, तो इसलिए भाई मैं ये लेकर आ गया। भाई यार तुम इतने महंगे गिफ्ट की क्या ज़रूरत थी भाई। चले आए अंदर चले, हम लोग सीन विन करते हैं, बियर वियर साथ पीते हैं, उसके बाद ट्राई करिएगा आप गाड़ी, टेस्ट ड्राइव करके देखिएगा इसकी भाई। 0 मीटर है, बिल्कुल नई, पाकिस्तान से इम्पोर्ट करवाइए। हाँ वो तो मुझे नज़र आ रही है। नाम पे भी रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, मैंने अभी तक रजिस्टर्ड नहीं करवाई। अच्छा भाई यार फ्रैंकलिन, यार इतना महंगा गिफ्ट आने की क्या ज़रूरत थी यार, तुम तो पागल हो यार बिल्कुल। अरे क्या पागल है यार। अच्छा भाई छोड़े आए अंदर कुछ पीते हैं। चलो चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं नहीं मैं चला जाऊँगा। अरे आओ आओ छोड़ो, क्या चला जाऊँगा, चलो। अच्छा चले मैं आ रहा हूँ। आओ बैठो। हाँ हाँ आ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ। आ जाओ भाई, कहाँ रहता है? आ गया आ गया, वापिस से चलाएं, ड्राइव करें और मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी है, क्योंकि जब तक मुझे बताएंगे नहीं ना, अगर आपको पसंद नहीं है तो भाई मैं आपको दूसरी की कोई गाड़ी ला दूंगा। अरे नहीं नहीं यार, मैं दूंगा आपको गाड़ी। यार तुम पागल हो यार, ज़बरदस्त बेहतरीन है यार गाड़ी। सेट है भाई, आपको पसंद आ गई तो बस, मुझे और क्या चाहिए, बेहतरीन गाड़ी है यार। अच्छा आप मुझे ये बताइए, जिमी का क्या सीन हुआ है? यार वो कि गाड़ी चोरी हो गई है भाई। अच्छा तो मतलब वो अकेला था? हाँ यार अकेला था, वो सुहेल भाई है हमारे दुकान। बाइकर गैंग, मतलब बाइकर गैंग सिटी में क्या करेगी, यहाँ तो बलास गैंग और वो एक और गैंग चलती है ना। हाँ मुझे भी समझ नहीं आ रहा, मैंने ट्रेवर को उससे बात तो करी। ट्रेवर से बात करें? हाँ। ट्रेवर से आपने बात की? हाँ वही मैंने अभी की है पार्टी में, उससे बात वो करेगा कुछ। बस तो फिर ट्रेवर कुछ कर ही देगा भाई, आपको पता ही है कि ट्रेवर इन मामलों में बहुत आगे है और वो अच्छी तरीके से जानता है बाइकर गैंग। हाँ मैंने जब भी उसी को आगे करवाया। बस सेट है, टेंशन नहीं लेनी। हाँ यार फ्रैंकलिन तेरा घर आ गया, तेरे जैसा घर ना यार मेरे पास भी होना चाहिए, बेहतरीन घर है यार तेरा। अरे बस क्या बताऊँ, मैं ये सेल कर रहा हूँ लेकिन अभी नहीं करूँगा, कुछ टाइम बाद। अगर आपको चाहिए हो तो आप मुझे बता दीगा। जब कर रहा हूँ तो मुझे मैं बता दी, और को सेल नहीं करूँगा। हाँ मुझे बता दी। बाकी बताओ पार्टी कैसी थी आज? एंड थी ना, तुझे मज़ा आया? पार्टी सीन ऑन था, बेहतरीन पार्टी। खुश? हाँ मैं खुश। बाकी चल सही है, मिलते सही है फिर चलते हैं। थैंक यू यार, शुक्रिया आपने मुझे यहाँ तक छोड़ा। तेरा लाभ बहुत बहुत थैंक यू, तूने यार इतना महंगा गिफ्ट दिया।